हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू तो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस एम सी क्वेश्चन रिलेटेड टू ई एस आई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम एंड फॉर टूडेज क्लास आई हैव चोजन द टॉपिक कारपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग तो जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो उनको बता दूँ हम कर क्या रहे हैं हम कर रहे हैं एम सी यू क्वेश्चन रिलेटेड टू ई एस आई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम और सबसे पहले हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एम सी यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस कर लिए हैं सारे अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर वाइज एम सी यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और उसी सीरीज में आज मैं डिस्कस करूंगा एमसीू क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग तो हमारा मोटिव क्या है चैप्टर वाइज एम सी यू क्वेश्चन डिस्कस करने का ताकि हम फिगर आउट कर सकें कि कौन से चैप्टर्स हमें अच्छे से आते हैं और कौन से चैप्टर्स नहीं अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप में ई एस आई डिप्टी डायरेक्टर अनुजिलदल में पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सिर्फ मुझसे रिलेटेड नहीं सारी फैकल्टीज़ आपको वहाँ पे रिप्लाई करेंगी और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको डेली जी के कोजेज टॉपअप स्ट्रेटेजीज़ पास पेपर्स एग्ज़ाम अपडेट्स लाइव वीडियो सेशंस और मंथली जी के कोजेस वगैरह मिल जाएंगी और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हो तो अनुजिल डॉट इन पर जाइए वहाँ पर कोर्सेज़ के सेक्शन में एस आई पे जाके इनरोल कर लीजिए अब चलें अपने क्वेश्चन की ओर तो फर्स्ट क्वेश्चन है मर्जर फर्म इन अनरिलेटेड टाइप्स ऑफ़ एक्टिविटीज इस टाइप के मर्जर में जो अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं वो मर्ज होती हैं हमारा वर्टिकल मर्जर हॉरिजॉन्टल मर्जर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर डी मर्जर इन चारों में से किस मर्जर में हमारा अन रिलेटेड टाइप्स तो की वर्ड क्या है यहां पर अन रिलेटेड टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज तो अन रिलेटेड टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज किस केस में मर्जर होती है मतलब कोई ऐसे दो बिजनेसेस मर्ज हो रहे हैं जिनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है मतलब दोनों के बिजनेस का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है लेट सपोज टू मैन्युफेक्चरिंग फर्म टू मैन्युफेक्चरिंग फर्म हमारी एक आइसक्रीम वाली फर्म से मर्ज कर गई कोई रिलेशन नहीं है ना आइसक्रीम वाली फर्म से मर्ज कर गई तो दैट इज अनरिलेटेड टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ठीक है इन चारों में से कौन सा मर्जर हम कह लेते हैं जब अनरिलेटेड एक्टिविटीज का होता है तो आंसर देने से पहले आपको रिमाइंड करा दूं आपको एक पेपर ले लेना है हम फाइव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और चेक करना है कि फाइव में से कितने आंसर्स आपके ठीक हैं अगर मैक्सिमम आंसर्स आपके ठीक हो रहे हैं दैट मींस वेल एंड गुड अगर नहीं हो रहे देन यू हैव टू रिवाइज या रिविजिट दिस चैप्टर ठीक है तो देखो वर्टिकल मर्जर क्या होता है वर्टिकल का मतलब क्या हो गया स्ट्रेट लाइन राइट इसमें क्या होता है जब बिजनेस दो मर्ज करते हैं वो सेम बिजनेस लाइन में मर्ज करते हैं देखो एग्जांपल लेते हैं लेट्स सपोज एक शू मैन्युफैक्चरिंग फर्म एक शू सेलर फर्म के साथ मर्ज कर गई ये क्या हो जाएगा वर्टिकल मर्जर या फिर मैं बोलूं एक शू मैन्युफैक्चरिंग फर्म एक लेदर मैन्युफैक्चरिंग फर्म के साथ मर्ज कर गई ठीक है दिस टू आर टाइप्स ऑफ वर्टिकल मर्जर एक हो गया हमारा डाउनवर्ड मर्जर एक हो गया अपवर्ड मर्जर ऐसे ही हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है कि सेम बिजनेस लाइन कि लेट सपोज एक शू फॉर्म है वो दूसरी शू फॉर्म के साथ मर्ज कर गई दैट इज हॉरिजॉन्टल मर्जर और जो हमारा कॉन्ग्लोमरेट मर्जर होता है वो होता है हमारा जब अनरिलेटेड एक्टिविटीज कंपनीज के बीच में मर्जर होता है जैसे मैंने बताया कि शू मैन्युफैक्चरिंग फर्म आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग फर्म के साथ मर्ज कर गई ठीक है और डी मर्जर क्या होता है जब मर्जर खत्म होता है तो वो तो पार्टी नहीं हुआ तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉनगोलोमरेट मर्जर ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन एन एक्वायर कंपनी टेक्स ओवर कंट्रोल ओवर दी अदर कंपनी अगेंस्ट द विशेज ऑफ टारगेट कंपनीज मैनेजमेंट कंसिडर्ड एज मर्जर फ्रेंडली टेक ओवर हॉस्टाइल टेक ओवर डी मर्जर जब एक एक्वायर कंपनी मतलब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है या कंट्रोल करती है बिना दूसरी कंपनी के मर्जी से तो उसे क्या कहते हैं सर बिना दूसरी कंपनी की मर्जी से कैसे टेक ओवर कर सकती है फॉर एग्जांपल एक कंपनी है अब मुझे उसे कंट्रोल करना है कंट्रोल करने के लिए होगा क्या कंपनी के क्या होते हैं शेयर्स होते हैं अगर मैक्सिमम शेयर्स मैं खरीद लूँ तो मैं उस कंट्री का उस कंपनी पर कंट्रोल कर सकता हूँ तो ये एक मेथड हो गया जब सामने वाली कंपनी या सामने वाला पर्सन दूसरी कंपनी को बिना उसकी मर्जी के एक्वायर करने की कोशिश करता है या फिर टेक ओवर करने की कोशिश करता है ठीक है जैसे अभी हमने देखा था ट्विटर के केस में एलॉन मस्क ने ट्विटर के नाइन परसेंट शेयर्स खरीद लिए थे और नाइन और हमारे ट्विटर कंपनी को पता भी नहीं था ये बात एकदम से एलॉन मस्क आए कि हाँ भाई हम अब तुम्हारी पूरी कंपनी खरीदना चाहते हैं मेरे पास नाइन परसेंट स्टेक है ट इज ओवर कंट्रोल ओवर दी अदर कंपनी अगेंस्ट द विशेज ऑफ टारगेट कंपनी ट्विटर को पता भी नहीं था कि नाइन परसेंट स्टेक एलॉन मस्क के पास है ट्विटर तो उस केस को क्या कहते हैं मर्जर फ्रेंडली टेक ओवर हॉस्टाइल टेक ओवर या डी मर्जर बहुत सिंपल सा आंसर है और आजकल तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में था जब ये केस चला था हॉस्टाइल टेक ओवर तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉस्टाइल टेक ओवर ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसन्वेस्टर या डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ मेजर ऑपरेटिंग यूनिट मोस्ट कन्वर्टेड बाय बिडर्स कॉमनली नोन एज प्वाइजन पिल क्राउन ज्वेल गोल्डन पैराशूट नन ऑफ दी तो हमने हॉस्टाइल टेक ओवर का वो पढ़ा कंसेप्ट पढ़ा उसका तो अब हॉस्टाइल टेक ओवर को बचाया कैसे जाता है उसकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं तो यहां पे हमारे पास तीन टेक्निक्स गिवन है हमें डिफाइन हमें डिटरमाइन करना है कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किस टेक्निक की बात हो रही है देखो तो अगर अब ट्विटर अपने आप को बचाना चाहती है एलॉन मस्क के तो उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से अपने टेक ओवर को रोकने के लिए पहला क्या है पॉइजन पिल पॉइजन पिल क्या होता है पॉइजन पिल क्या कहता है कि जो कंपनी के ओल्ड शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के ओल्ड शेयर होल्डर्स के पास राइट right होता है कि वो कुछ और नए शेयर्स खरीद सकें मान लो एक कंपनी के सिर्फ हंड्रेड शेयर्स हैं अब किसी इंडिविजुअल ने आके उसके फोर्टी शेयर्स खरीद लिए और वो कंपनी को ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं आपके बाकी शेयर्स खरीद के भी मैक्सिमम कंट्रोल अपना कर लूंगा तो पॉइजन बिल में क्या होगा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें नए शेयर्स ऑफर कर दिए जाएंगे जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें न्यू शेयर्स ऑफर कर दिए जाएंगे उससे होगा क्या जो ये हंड्रेड वाला शेयर बेस है वो बढ़ के वन हो जाएगा तो अब इस इंडिविजुअल को और इसको टेक ओवर करने के लिए इस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए मैक्सिमम मतलब 50 परसेंट ज्यादा शेयर्स नहीं होंगे तो उसको ज़्यादा शेयर्स खरीदने पड़ेंगे जो कि कभी कभार मुश्किल हो जाता है ठीक है दैट इज पॉइजन पिल क्राउन ज्वेल क्या होता है देखो क्राउन ज्वेल से नाम कैसे आया कि क्राउन क्राउन में लगा हुआ ज्वेल तो कंपनी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्ट होता है जो कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्ट होता है उसे ही सेल आउट सेल आउट कर देना दैट इज़ क्राउन ज्वेल उसे ही बेच देना ठीक है अब बेचने से होगा क्या लेट सपोज ट्विटर ने अपना ट्विटर ट्विटर की जो पेरेंट कंपनी है उसने ट्विटर ही पूरा बेच दिया तो अब क्या इलाम मस्क इंटरेस्टेड होगा उस कंपनी को खरीदने में ले ठीक है या कोई ऐसा पार्ट बेच दिया जिसे ट्विटर रन नहीं कर सकता ऐसा कुछ कर दिया कि जो मेन बिजनेस है उसी को सेल ऑफ कर दिया दैट इज क्राउन ज्वेल फिर गोल्डन पैराशूट गोल्डन पैराशूट क्या होता है इसमें क्या होता है जो कंपनी होती है अपने मैनेजमेंट के साथ कंपनसेशन डिफाइन कर देती है कि अगर आपको निकाला गया लेट सपोज ट्विटर ने डिफाइन कर दिया कि अगर हा हमारे सीईओ मतलब सीईओ के साथ या फिर कोई भी मैनेजर है उसे निकाला गया तो उसे फिफ्टी करोड़ रुपी, रु, करोड़ रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एक डोमिनल अमाउंट ले लिया फिफ्टी करोड़ रुपीज़ अब जब सामने वाला पर्सन इसे टेक ओवर करेगा तो उसे टेंशन होगी कि भाई मैं इस पर्सन को निकाल नहीं सकता क्यों अगर मैं इस पर्सन को निकालूंगा तो मुझे एक बहुत हैवी कंपनसेशन पे करना पड़ेगा ट इज गोल्डन पैराशूट तो वो अवॉइड करेगा कि इस कंपनी को टेक ओवर करें ठीक है हमारे क्वेश्चन में किस चीज की बात कर रही है, है तो डिस इन्वेस्टमेंट की बात करी गई है तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्राउन ज्वेल समझ आ गया सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी क्राउन ज्वेल चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेथड इज यूज एन अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज तो अमेलगमेशन के टाइम पे हमारे पास दो मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग के कौन कौन से सर एक पहला होता है हमारे पास पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और एक होता है परचेज मेथड तो जिसको क्वेश्चन पता होगा तो उसे कंफ्यूजन तो यही होगी तो so, ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट होगा क्योंकि ये तो अकाउंटिंग के मेथड ही नहीं होतेमेशन के ठीक है तो so, जिसको अमेलगमेशन के एटलीस्ट मैथड पता होंगे तो दो तो वैसे ही कट ऑफ कर देगा अब बच्चे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड देखो अब हमारी जो मेलगमिशन होती हैं उनके दो नेचर्स होते हैं जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिफाइन है एक होता है हमारा नेचर ऑफ परचेज जो क्वेश्चन में गिवन है नेचर ऑफ परचेज और एक होता है हमारे पास नेचर ऑफ मर्जर जब नेचर ऑफ परचेज होता है हमारा मेलगमिशन में तब हमारा लगता है तब हमारा जब नेचर ऑफ मर्जर होता है तब हमारा लगता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग और जब नेचर ऑफ परचेज होता है तो लगता है परचेज मेथड। ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इधर हमसे पूछा क्या गया है? इस इधर हमसे पूछा गया है सर जब नेचर ऑफ परचेज हो तो नेचर ऑफ परचेज में क्या हो जाएगा परचेज मेथड तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी परचेज मेथड

एंड विल कंटिन्यू टू हैव लॉसिस इन दी नीयर फ्यूचर क्वेश्चन पूछा गया है क्या रीजंस हो सकते हैं एक हाईली प्रॉफिटेबल फर्म है वो एक दूसरी फर्म को एक्वायर कर रही है जो बहुत ज्यादा लॉसेस में है और चांसेस है कि फ्यूचर में भी लॉसेस में रहेगी एक बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल होता उसे एक्वायर करना तो समझ आता है एक लॉस मेकिंग फर्म को क्यों एक्वायर करना बेनिफिशियल होता है पेइंग लेबिलिटीज टैक्स लॉस यूसेज देखो से होगा अब वो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है अगर उसके सफिशेंट एसेट्स होते तो वो अपना मतलब परफॉर्म अच्छे से कर रही होती तो ये एक मेजर रीजन नहीं होता लाइबिलिटी के लिए कभी एक्वायर नहीं किया जाता जो मेजर रीजन निकल के आता है जो मेजर रीजन निकल के आता है वो आता है टैक्स लॉस यूसेज की कि मान लो मान लो दो फर्म्स हैं अगर उनको टैक्स पे करना है अब जब एक्वायर हो गई पहली फर्म के प्रॉफिट था हंड्रेड करोड़ रुपीज लेट सपोज पहली फर्म का इनकम थी हंड्रेड करोड़ रुपीज और दूसरी फर्म लॉस में थी लेट सपोज लेट सपोज फिफ्टी करोड़ के लॉस में थी अब इस फर्म ने इस फर्म ने दूसरी फर्म को एक्वायर कर लिया लेट सपोज सिर्फ ट्वेंटी करोड़ या टेन करोड़ में अब होगा क्या जब ये अपने टैक्स पे करने जाएंगे तो इनको टैक्स में बेनिफिट्स मिलेंगे कितने मिलेंगे फिफ्टी पर देखो पहले हंड्रेड हंड्रेड करोड़ रुपीज का प्रॉफिट देना था अब हंड्रेड माइनस फिफ्टी क्योंकि लॉस भी हो जाएगा सेट ऑफ हो जाएगा तो सिर्फ फिफ्टी करोड़ पर टैक्स देना है तो टैक्स से बचने के लिए दूसरी फर्म को एक्वायर किया जाता है इस क्वेश्चन में माइट भी अब तुम सोच रहे हो कि सर टैक्स जितना गया नहीं उससे ज्यादा तो उन्होंने पे कर दिया लेकिन वो पूरी कैलकुलेशन होती हैं कि जब टैक्स सेविंग की अमाउंट टैक्स सेविंग की अमाउंट हायर होती है एक्वायरिंग से तभी ऐसी डील्स करी जाती हैं ठीक है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टैक्स लॉस यूसेज ठीक है समझ आ गया तो दैट्स ऑल फॉर टुडे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को टू पी एम पे डिस्कस करेंगे रिमेनिंग चैप्टर्स के रिलेटेड टू एस आई डायरेक्टर एग्जाम अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर आप चाहते हो कि मैं उसके क्वेश्चन डिस्कस करूं तो वह आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो ठीक है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दैल आइकन Bye bye, take care, see you soon.